और यहाँ बड़ी खबर शामिल करते चले, लाहौर से एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के केस का फैसला सुना दिया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। नैब को ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस मजीद चलाने की जरूरत नहीं, एहतसाब अदालत ने रेफरेंस LDA को भिजवा दिया। एहतसाब अदालत के जज कमरुल जमान ने फैसला सुनाया। आपको बताते चले, नैब रिपोर्ट में कहा गया कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, नैब को ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस चलाने की जरूरत नहीं। और यहाँ अपने नाजरन को आगाह करते चलें, 31 मई 2019 को पैरागॉन स्कैंडल केस में नैब की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक समेत 5 मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था, जबकि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस में 4 सितंबर को फर्दे जुर्म भी आयद की गई थी। और आपको बताते चले, नैब रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन सोसाइटी में सादा लौह शहरियों से 59 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया था। और आपको आगाह करते चलें, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत ली थी। नैब की जानिब से की गई अपील में कहा गया कि रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद वाजह करते हैं कि साद रफीक और इनके खानदान ने फ्रंटमैन के जरिए पैरागॉन का इस्तेमाल किया और असासे बनाए। और अपने नाजरन को आगाह कर रहे थे, एहतसाब अदालत की जानब से पैरागॉन हाउसिंग केस में ख्वाजा बरादरान को बेगुनाह करार दे दिया गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा बरादरान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले, नैब को ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस मजीद चलाने की जरूरत नहीं। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस LDA को भिजवा दिया।